जय माता बगला मुखी, जय माँ पीताम्बरा हनुमान जी महाराज, जय वीर बजरंग बली बाबा की। दोस्तों कैसे हैं आप सब, सब आनंद मंगल हैं। आज एक तो शनि जयंती है, ठीक है, और एक है बट सावित्री व्रत, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम आज विशेष जानकारी देते हैं शनि जयंती की। शनि जयंती, शनि की अगर किसी पर कुदृष्टि है, भयंकर दृष्टि है और शनि की कृपा नहीं मिल रही है, तो आप जो विधान मैं दे रहा हूँ उनको आप आजमा सकते हैं और पूरी पूरी ये उम्मीद रहेगी कि ये 100% आप पर कार्य करेंगे, क्योंकि ये तो काफ़ी प्राचीन साल से चले आ रहे हैं, काफ़ी प्राचीन समय से, और इसको करते भी हैं लोग और इसका प्रभाव भी देखा जाता है। तो चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी दे देते हैं, ठीक है। और पहला विधान जो सर्वमान्य है, जो ज़्यादातर मान्य है, वो क्या है, तो वो कुछ इस तरह से है मित्रों कि जैसे कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जैसे आप साधना करते हैं उसको छोड़ करके अगर दैनिक में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें शनि का एक मंत्र या फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र या पकड़ के लिए बैठ जाइए बिल्कुल, और उसको रेगुलर करिए। अगर आपके जीवन में शनि के से संबंधित कैसी भी परेशानी आ रही है तो वो सही हो जाएगी। अब शनि से संबंधित परेशानियों को थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। मानसिक रूप से दिमाग सही, संतुलन गलत रहना, दिमाग सही नहीं रहना, बात बात में चिड़चिड़ाहट आना, झुंझलाहट आना, कोई भी काम लास्ट टाइम पर बिगड़ जाना, बड़े कामों में कभी भी जीवन में सफलता न मिलना, व्यक्ति को अपने परिवार में अपने चाचा ताऊ से कोई ना कोई नुकसान या बैर होता है, इस शनि का प्रभाव। अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाती है और उसका दुष्प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। शनि खराब होता है तो सूर्य अपने आप खराब फल देता है, सूर्य अपयश कराता है और शनि उसको जीवन के व्यक्ति के लास्ट को अपयश में पूरी तरह से डुबो देता है। जिस व्यक्ति का शनि अच्छा होता है वो जीवन में बड़े कार्यों में अवश्य सफलता प्राप्त करता है। तो शनि सही होना बहुत जरूरी है। शनि के कुछ प्रभाव बता देता हूँ जो टक देखे जाते हैं। मैं अब तक हजारों कुंडलियाँ देख चुका हूँ, हजारों, तो मैंने ये अनुभव किया जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि अच्छा होता है वो ज्योतिष में भी जानकार होता है, वो तंत्र का भी जानकार होता है, उसको गुप्त विद्याओं की जानकारी होती है, उसको प्राचीन विद्याओं की जानकारी होती है, उसको रहस्यमय विद्याओं की जानकारी होती है, ठीक है। हर उस व्यक्ति का शनि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा प्रभाव दे रहा होगा जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ, ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र, मंत्र और अघोर विद्या, इन सब में शनि का योगदान होता है। शनि और केतु प्लस राहु, ये तीनों रहस्यमय ग्रह हैं, तो ये इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। जिनका शनि उत्तम होता है वो तंत्र के क्षेत्र में बहुत उत्तम श्रेणी पर जाते हैं, ठीक है ना। जिनका शनि उत्तम होता है वो तंत्र के क्षेत्र में बहुत उत्तम श्रेणी पर जाते हैं और बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं, ये पक्की बात है। तो शनि होना जरूरी है, सही। कुछ उपाय, हनुमान चालीसा, अगर हनुमान चालीसा नियम से 9 या 8 बार रोज अगर आप कर लेते हैं तो शनि और मंगल दोनों आपके सही हो जाएंगे। समय कितना रहेगा, समय रहेगा कम से कम आपको 26 दिन तक हनुमान चालीसा करनी पड़ेगी, 11, 21 या फिर 108 हनुमान चालीसा रोज। संकल्प केवल शनि को सही करने के लिए रहेगा, बाकी कोई संकल्प नहीं रहेगा। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझसे ये हजारों लोगों की शिकायत आती है कि हनुमान चालीसा हम करते हैं लेकिन हमारा गृह शनि सही नहीं होता है, वो बहुत ख़राब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आपका शनि खराब है तो हनुमान चालीसा आपको मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन से अच्छा और क्रम से पक्के होकर के और वचन से अटूट होकर के ही करनी है, तभी वो फल देगी। हनुमान चालीसा का फल एक नॉर्मल अमूमन व्यक्ति को जो जीवन के प्रपंचों में फंसा रहता है उसको केवल 35% मिलता है, जी मेरा खुद का अनुभव है।
हनुमान चालीसा का 100% प्रभाव उसी को होता है जो साधु की तरह से जीवन जी करके हनुमान चालीसा का पालन करता है, उसी को प्रभाव मिलता है हनुमान चालीसा का। लाखों लोग करोड़ों लोग पड़े हुए हैं जो इन चीज़ों को करते हैं लेकिन उनको प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जो नियम होते हैं उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, शनि का मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र की आपको अगर इस मंत्र का चमत्कार देना है तो इस मंत्र की 17 या 26 माला रोज करनी है, 17 या 26 ध्यान रखिएगा, इसमें 11, 21, 51 नहीं है, 17 या 26 माला रोज करनी है। आज के दिन से अगर इसको शुरू करते हैं, भले ही आज एक माला कर लें, आज के दिन से अगर आप शनि जयंती के दिन से इसको शुरू करते हैं तो अति उत्तम है। शाम को 7:30 बजे तक पूजा आज मतलब कोई मतलब जरूरी नहीं है करना, उसके बाद आप रात में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको समय नहीं मिलता, आप समझते हैं कि शाम तक से पहले ही करनी है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप शाम को 7:30 बजे के बाद भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद भी, क्योंकि शनि अंधेरों का श्याह अंधेरों का ग्रह है, इसको अंधेरा प्रिय है, इसको काला रंग पसंद है, इसको गहरा नीला रंग पसंद है, इसको रहस्यमय विद्याएं पसंद है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, शनि जब बुद्धि भ्राता है तो आदमी से बड़े बड़े मुँह से गलत वचन निकल जाते हैं, जैसे द्रौपदी ने बोल दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा धृतराष्ट्र उसके लिए दुर्योधन के लिए, और पूरी महाभारत छिड़ गई थी, उस समय शनि बैठा हुआ था उसकी जवान पर, बारे से न्यारे करा देता और नहीं तो अर्श से फर्श पर ला देता है। एक चीज और शनि के लिए बहुत विशेष बता रहा हूँ आपको, जीवन में जो सत्य उस पर चलते हैं मार्ग पर, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, दान पुण्य करते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, उनका शनि कभी नुकसान नहीं करता है। और ग्रह उनके हो सकते हैं नुकसान कर जाए लेकिन शनि उनका कभी नुकसान नहीं करता है, ये सारे के सारे विद्वानों का मत होता है और ये सही है। शनि के लिए एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, सुरमा होता है काला जो आंखों में लगाने का सुरमा होता है, उसकी डेली आती है पसारी के पास, मिल जाएगी आपको। ठीक है, और उसको डेली को लेकर के एक कम से कम 11 रुपये से ऊपर की लें, उसको डेली को लेकर के किसी भी सुनसान एकांत स्थान में जा कर के और किसी भी पेड़ के नीचे उस डेली को 1 फीट गड्ढा या तो 11 इंच या 1 फीट गड्ढा करके उसको दबा के और उसको आ जाए, 6 महीने तक वो निकल लेनी चाहिए, शनि आपका शुभ प्रभाव देगा। ये राहु के लिए भी किया जाता है ये उपाय, तो आप ऐसे कर सकते हैं। शनि के बारे में एक चीज़ और, शनि के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज, शनि के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि शनि जिस भाव में बैठता है ग्रह में ज्योतिष में, उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव के फल को बढ़ाता है, और बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव को निम्न करता है, घटाता है। स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीव यानी कि गुरु, तो ये ध्यान रखिएगा। शनि को कभी भी देख करके ये नहीं प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि ये इस भाव में बैठा है तो इस भाव का सत्यानाश हो गया, कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ज्योतिष में सक्सेस इसीलिए हूँ कि मुझे ये छोटे छोटे चीज़ें सूत्र याद रहते हैं, हर ग्रह के कुछ भाव और कुछ पक्ष होते हैं जो मजबूत होते हैं। शनि बहुत लोगों को सपोर्ट करता है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, पापियों को इससे डरने की ज़रूरत है, बाकी ईमानदार व्यक्ति को और सही काम करने वाले को इससे जलने की ज़रूरत नहीं है। जय माँ भवानी, जय माता रानी की। शनि केवल दान कृपा और उससे पुण्य से ही सही हो जाता है, केवल ये मंत्र मैंने जो विधान बताया उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, और काले कंबल का दान, काले उर्द का दान शनिवार को प्रत्येक को करते रहें, सरसों के तेल का दान, ठीक है, आपका शनि कभी भारी नहीं होगा। जय माता रानी।